हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाबिस। मोहम्मद इनायत। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक बर्थडे मैचअप के ऊपर। ओके, स्टार का नाम है जय सूर्या। यस। ओके, अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनका कोई स्टफ मैंने ही नहीं देखा है। ओके, ही इज अ वेरी गुड एक्टर और बहुत नामदार एक्टर है साउथ के, स्पेशली मलयालम इंडस्ट्री। ओके, बट अभी तक मौका नहीं मिला इनका कोई भी स्टफ देखने के लिए, बट या देखेंगे। आई थिंक एक साल या डेढ़ साल पहले हमारे पुराने चैनल में मैंने ऑलरेडी इनका कुछ ऐसा ही एक बर्थडे मैशअप रिएक्ट किया था। उसके बाद भी सोचा था कि देखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा। ओके, सो ये बर्थडे मैशअप है लिंटो कुरियन से, लिंटो कुरियन के चैनल से। लेकिन एज ऑलवेज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं फ्रॉम जितिन। जितिन क्योंकि एक सबटाइटल्स होते हैं वहाँ पे। हाँ, उन्होंने मुझे सुबह ही भेज दिया था। ही टोल्ड के उन्होंने सबटाइटल्स कर दिया है। ओके, सो थैंक यू जितिन फॉर दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। और ये सबटाइटल्स का वीडियो हमारे ओरिजिनल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उनके चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड ऑल्सो हमारा ऑफिशियल कड़क का पेज इंस्टाग्राम और फेसबुक में आ चुका है, प्लीज़ वहाँ पर ही फॉलो कीजिए। बिकॉज अगर आप हमारे पुराने फॉलोअर्स हो तो आपको पता होगा कि हमारा पुराने चैनल की हालत क्या हुई थी। लेट्स स्टार्ट। यस, जय सूर्य। ചെറുപ്പത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നു ആരാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അന്ന് ക്ലാസ് മുറി മൊത്തം ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ സിനിമാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടക്കകാലത്തെ ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് ജയസൂര്യ. രണ്ട് വള്ളത്തിലും കാലു വെച്ചാൽ ഒന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല. ഡബിംഗ് സ്വിച്ച് ടവറ് നിർത്തുകയാണ്, നാളെ മുതൽ ഒന്നിനും ഡബ് ചെയ്യുന്നില്ല. റോഡ് ഇറക്കുന്ന മെഷീൻ കണ്ടാൽ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. ക്യാമറ എന്ന് ചോദിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കുറച്ച് നടന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നീഷിലാണ് ഇന്ന് ജയസൂര്യ ഉള്ളത്. ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായവും തീരുമാനങ്ങളും കൊണ്ട് എത്തിപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചില നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ജയസൂര്യ. ആ ഫയറിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ജയസൂര്യ അമ്മ. ജയസൂര്യ എന്നുള്ള നടന്റെ കരിയർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വമ്പൻ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദ റിയൽ ആക്ടർ, ദ ഫൈനസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ വേൾഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചാമ്പ. അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മേക്ക് ഓവർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര തുടങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോ ഡിഗ്രിയിലെ കഥാപാത്രം നോക്കിക്കറിയാം, അങ്കുർ റാവുത്ത് വരുന്നു, മേരിക്കുട്ടി വരുന്നു, സത്യം വരുന്നു, സൂ സൂ കുട്ടി വാർത്തീകൾ, ദുഃഖാക്ഷിക്കു എന്നീ സിനിമകളിലെ അഭിനയത്തിന് 2014 ദേശീയ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജൂറിമാരുടെ പ്രത്യേക പരാമർശം ലഭിച്ചു. കാര്യം നമ്മള് മൂന്നാളുള്ളൂ, പക്ഷെ മേടത്തോട്ടാ തൊണ്ടയില് ബാക്കി ശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറി പണി ജയ്സൺ. ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. वहां पर कैरेक्टर्स के उनके नाम दिखा रहे थे तब आयो बिनते पुस्तकम एक फिल्म का नाम आया था. ओके, उस फिल्म के ट्रेलर के ऊपर मैंने रिएक्ट किया था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक. मैं एक किताब हूँ उसका नाम है. हाँ, और वो उसमें है फहद फाजिल इन द लीड रोल
एंड उस फिल्म की बहुत तारीफ है. इट्स ए पीरियड ड्रामा एक्चुअली, बिफोर इंडिपेंडेंस आई थिंक, ब्रिटिश टाइम की फिल्म है वो. एंड वो बहुत सजेस्ट करते हैं लोग मुझे कि वो फिल्म देखो, इट्स अ वेरी गुड फिल्म. आई थिंक फहद फजील की 3-4 फिल्में ऐसी हैं. सो वहाँ आई थिंक वहाँ पर मैंने इनको देखा था ट्रेलर में. एंड ऑल्सो आप ज्वाइन करने से पहले आई हैव रिएक्टेड ऑन अ सीन्स टॉप 5 इंट्रो एंट्री सीन्स ऑफ मलयालम फिल्म्स. ओके, वहाँ पर भी मैंने जयसूर्या को देखा था, यहाँ पर वो सीन देखने को मिली थी मुझे. यार बहुत तारीफें हैं इनकी यार. He's a good actor, but unfortunately अभी तक देखा नहीं कोई इसका. No, but yeah, versatile actor, rightly said, because दिख रहा था versatile actor. Yeah. सारे सीन्स में जो इंस्पेक्टर का रोल, जो रोने का, जो बॉय का रोल कर रहे थे, जो दाढ़ी में थे, विदाउट दाढ़ी में थे, शेव्ड थे, ट्रिम्ड थे, हर एक रोल में he was looking perfect. हाँ. And I think बहुत सारे लुक्स को you know टेस्ट किया गया. टेस्ट किया गया ना उनके पर. And I think हर रोल में वो you know खड़े उतरे हैं. That's the reason I think people उतना पसंद, लोग उतना पसंद करते हैं. यार बड़े बड़े एक्टर यार, मोहनलाल मोमोटी एंड ऑल, सुरेश गोपी, एवरी वन दीज गाइज यू नो तारीफें कर रहे थे उनकी. एंड ऑल्सो यू नो ग्रेट अचीवमेंट. तो अगर जयसूर्या पहली बार नाम सुना था मैंने. एक्चुअली आई हैव सीन हिज फेस, ऑफ कोर्स, यस आई हैव सीन हिज फेस. वेयर आई डोंट नो, बट यस आई हैव. You know, when you see someone, you know you have seen him somewhere. Yeah. I don't remember exactly, but maybe कोई trailer था, कभी TV में चल रहा था, कभी YouTube में देख लिया, कभी ad में देख लिया, पता नहीं. हाँ. Maybe that's where I have seen. कुछ भी हो सकता है, yeah. But I have seen it. So great thing to great watch. Thing, अच्छा था, लेकिन वही he seemed very versatile. He seemed like a very good actor, and who's an actor first, then a hero. हाँ. Who's not a hero? It's an actor. बट उसके बाद हीरो बनाया गया है उनको. यू नो इनकी जर्नी बहुत अमेजिंग है, फ्रॉम अ डबिंग आर्टिस्ट यू नो अब वहाँ जहाँ तक यहाँ पर वो है, वहाँ तक पहुँचना इज अ वेरी थिंग. एंड यू नो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हुए लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करने के बाद. एंड ही इज़ नॉट समवन यू नो जो कि वी कैन से ही इज़ जस्ट 42. He is not an actor जो कि मोहनलाल ममोटी उनकी लीग में नहीं आते, because he is still young guy. Correct. And at this age और जितना उन्होंने अचीव किया, जितने लोगों ने तारीफ सुन रहे हैं और जितने रोल्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, you know that's very big thing जो because you know इतना नाम, इतना सब कुछ कमाने के लिए लोगों को अटने बहुत वक्त चल जाता है. You know yeah. He have to be a legend. And it doesn't even look so 42 वहाँ पे देखा ना, इसकी एंग एज थी 42 दिखाया था. But it doesn't even look 42. He looks 30s में लग रहे थे. और आई थिंक यहाँ पर एक दो रोल हैं जहाँ पर वो आई थिंक वो एल्डर यू नो बहुत उम्र वालों का लो रोल पे. डू यू सी द मुस्टैशेस वाला, वाइट हेयर्स एंड ऑल, वैसे भी लुक में वो ढल रहे थे. एंड आल्सो यंग बॉय वैसे ही लुक, ही वाज लुकिंग वेरी, हर एक कलर में ही वाज लुकिंग फाइन. और आयोम इन द पुस्तकम का जो सीन देखा मैंने, इट वाज लाइक टोटली डिफरेंट. समवन जो कि हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते, वैसा लुक था उनका. Yeah, and also there was another look, नहीं, जहाँ पर he was clean shave with the, you know, curly. That's what is telling. वहाँ वो रोल तो बहुत ये लग रहा था. हाँ. चीप से इनकी आंखें. सडन मुझे वहाँ पर कैसे दिखे बताए, मोहनलाल. Why you know मोहनलाल का इरुवर एक फिल्म है, MGR के ऊपर बेस्ड है फिल्म. वो MGR का लुक में उनका लुक काफी वैसे ही था, सिमिलर था. एंड सडन मुझे वैसे ही दिखे वो, यू नो जयसूर्या जैसे ही वो सीन आई मुझे. Yeah, an amazing work by Linto Kurian. It was very short, but still a very effective. और इसके साथ क्या था, इसमें डायलॉग बोला गया था कि वो जहाँ पे भी व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो आउट, पीपल यूज्ड टू लाइक, ही यूज्ड टू एक्ट लाइक देयर इज अ कैमरा अराउंड. ऐसे करते थे, एक्टिंग करते थे. और उन्होंने डबिंग करते थे पहले, वो वाज अ डबिंग आर्टिस्ट. फिर उन्होंने बोला कि डबिंग आर्टिस्ट नहीं करूँगा, मैं डबिंग नहीं करूँगा आगे से. फिर ही चेंज हिज फील्ड अगेन, नाउ ही बिकेम एन एक्टर, विच इज एक्चुअली गुड. डबिंग आर्टिस्ट को एक्टिंग के बारे में बहुत नॉलेज होती है, एंड दैट्स व्हेन ही बिकेम एन एक्टर. दैट्स बेसिकली डबिंग आर्टिस्ट आर ऑलमोस्ट लाइक 60% आर्टिस्ट होते हैं, वो भी एक्टर्स होते हैं डबिंग आर्टिस्ट. यू नो डबिंग आर्टिस्ट का काम आई थिंक और ज़्यादा मुश्किल का है, बिकॉज यू नो जब एक्टर वो अगर वो प्ले भी कर रहा है एक रोल और वो यू नो डब भी कर रहा है, तो उसके लिए आसान होता है कि वो समझने के लिए क्या हो रहा है, क्या फीलिंग है, किस तरीके से करना है. लेकिन डबिंग आर्टिस्ट को सब यू नो सिर्फ देख के समझना पड़ता है कि कैसे क्या करना पड़ता है. एंड आई थिंक दैट इज द रीज़न वो लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं. यस या सो This was our reaction on Jay Surya's birthday mashup. Wish you happy birthday, sir. And yeah, thank you, Jitin, for the subtitles and amazing video by Linto Kurian. Yes. Yeah. Do you want to say something? Nothing else. So before you go, subscribe to our channel, because we need it right now. Your support is much needed right now. At least for the next 1 month, we need a lot of support. उसके बाद हम देख लेंगे. उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, कोई और आएंगे, फिर वो ब्रेक लेंगे, फिर आप आना, ऐसा कुछ हो सकता है. शिफ्ट में आप काम कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए यू ऑल वी ऑल नीड सपोर्ट. और सब्सक्राइब कर लीजिए. और स्पेशली मलयालम ऑडियंस ऐसी ऑडियंस थी जो कि मेरे लिए बहुत खरीद थी, बिकॉज जैसे ही हमारा रिएक्शन चैनल स्टार्ट हुआ तो मलयालम ऑडियंस वॉज वन जो कि बहुत
यू नो फ्लॉक ज्यादा थे और यू नो वैसे थे. नाउ आई जस्ट लॉस्ट एवरीवन, वी जस्ट लॉस्ट एवरीवन, बट इट्स ओके, यू आर ऑल रिटर्न. हाँ. वो हुआ क्या है ना कि एक चुटकी मारने से सब आ जाएंगे. Yeah. वो क्या हुआ, पॉपुलेशन सारी हो गई है, थानोस चुटकी मार के सबको उड़ा दिया, लेकिन चुटकी मार के एकदम आ जाएंगे एंड देन वील से ना मस्त आएगा, फिर मजा आएगा. Yeah, so this was our reaction. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इसके लिए डिटेल्स मैंने दिए हैं. दिस इज मोहम्मद शाबिस, मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ.